everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक बहुत अच्छी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर्स रूबी जी, जिन्होंने कल जिनका ट्विन फ्लेम का जिनका बर्थडे था 17 सितंबर, जिन्होंने मुझे उनके ट्विन फ्लेम के नाम से केक भिजवाया था, जिस केक को उनका रिक्वेस्ट था कि मैं जिस ऑफनेज हाउस से कनेक्टेड हूँ, जिनकी मैं जॉइंट मेंबर हूँ, वहाँ पे वो केक जाके दे दूँ, उन बच्चों को वो केक डोनेट करूँ। तो ये काम उन्होंने मुझे करने को दिया था। ये ब्लेसिंग्स ही तो है जो मुझे प्रोवाइड किया था उन्होंने। ईश्वर करे मैंने वो काम कर दिया। मेरे हिसाब से जो काम हुआ वो रूबी जी के ही एफर्ट से ही था। मैंने सिर्फ वो उसको एक किया, उस काम का एक जरिया भर मैं थी, बाकी ये काम रूबी जी का ही था। थैंक यू वेरी मच रूबी जी फॉर योर काइंड एफर्ट्स एंड पुटिंग अ वेरी गुड यू नो काइंड हार्टेड यू नो एग्जाम्पल्स फॉर द टूवर्ड्स ऑर्फनेज चिल्ड्रेन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन रूबी जी। आपके ट्विन मेरा और उन सब छोटे छोटे बच्चों की तरफ से जो यतीम हैं, जो अनाथ हैं, उन सभी बच्चों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके ट्विन फ्लेम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको अपने स्पाउस को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बताना चाहिए? आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पर है। आज का वीडियो जो है वो आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, जो मुझसे व्हाट्सएप में पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको अपने स्पाउस को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताना चाहिए या नहीं। मैं यहाँ पर अपना एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहूँगी, और अगर बताना हो तो कैसे हालात में, किस हालात में आप बता सकते हैं और किस प्रकार आप डील करेंगे इस फेज को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी शादी के 17 साल हो गए थे जब मेरे ट्विन फ्लेम मेरी लाइफ में आए। 17 साल की मैरिड लाइफ के बाद ट्विन फ्लेम मेरी लाइफ में आए। मैं उन लेडी में से हूँ जो अपने हस्बैंड के सिवा किसी और की ओर को सोचना तक भी नहीं पसंद करती, कभी नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, मेरे दो बेटे हैं, दोनों बच्चों के साथ अपनी लाइफ बहुत खुशी जी रहे थे। तब जनाब की एंट्री हुई और मेरी लाइफ में खलबली मच गई। मुझे अपने हस्बैंड के लिए इतना बुरा लगता था कि मैं अपने आप को इतना गिल्टी फील करती थी, जिसका मेरे फैमिली पर काफ़ी इफेक्ट पड़ने लगा। मेरे हस्बैंड मेरे सोलमेट हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे लाइफ में कोई कमी है। हम दोनों को ही एक दूसरे पर बहुत विश्वास था, बहुत ही ज़्यादा। इतने साल की मैरिड लाइफ में 17 साल कोई कम तो नहीं होते। इतने साल की मैरिड लाइफ में न तो कभी उनका मुझ पर, न तो मेरा उन पर शक हुआ। पर ट्विन फ्लेम जब आए, मैं अपने में इतनी गिल्टी कॉन्शियस में चली गई, जाने लगी। फिर एक दिन पूजा करने बैठी, तब मुझे गाइडेंस मिला कि नहीं, मुझे बताना ही होगा। मैं अब ऐसे नहीं रह पा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, सुबह का टाइम था, पूजा हो गई थी, मेडिटेशन हो गया था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, आज मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ, आप मुझे आज आपका पूरा दिन चाहिए। तो उन्होंने छुट्टी का मैनेज उन्होंने किया, ले लिया उस दिन पूरा मेरे लिए। वो उस वक्त समझ नहीं पाए कि मैं आखिर कहना क्या चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि आप प्लीज़ आज का दिन, मैंने आपसे कभी, वैसे भी मैं काफ़ी उतनी ज़्यादा डिमांडिंग रही भी नहीं, क्योंकि बिना मांगे ही जब सब कुछ मिल जाता था तो डिमांड करने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं थी। तो उन्होंने, उनको लगा कि ये आज तक ऐसा कुछ की तो नहीं है डिमांड, एक दिन की छुट्टी मांग रही है, चलो ठीक है दे जाता हूँ एक दिन उसके लिए। मतलब मेरा ऐसी हालत थी कि मुझे संडे के लिए भी वेट नहीं मैं कर पाना चाह रही थी। मैंने उनको सब
उस वक्त उस दिन छुट्टी थी, मेरे बच्चे गए हुए थे स्कूल, मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लेके सब बता दिया। और मुझे याद है मेरे हस्बैंड की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। आप यकीन माने न तो मेरे ऊपर उस वक्त चिल्लाए, न नाराज़ हुए, और तो और मेरे से बोले कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने बोला, आज 17 साल में आपने मुझे इतना ही जाना, आपको क्या लगता है क्यों आप ऐसे पूछ रहे हैं, क्यों रो रहे हैं आप? क्योंकि मैंने उनको इस कदर रोते जब मेरी मदर इन लॉ का डेथ हुआ था तब देखा था। हम दोनों उस दिन बहुत रोए, एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर मुझे लगा कि कैसे इनको ये बताऊं कि मैं खुद उन्हें ढूंढने नहीं गई थी, ट्विन फ्लेम को खुद ढूंढने नहीं गई थी, क्योंकि प्यार की मेरी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने उनको सारी बातें शेयर की, A to Z सभी, जो कुछ मेरे दिल में चल रहा था, क्या फीलिंग्स अपने ट्विन के लिए, एवरीथिंग आई शेयर्ड विथ माई हस्बैंड। तो ऐसे में अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया मैंने। मेरे हस्बैंड इतने जेंटलमैन हैं कि फिर उन्होंने मुझे संभाला, पर मुझे भी तो उनको भरोसा दिलाना था। फिर एक एक करके मैंने वीडियो उनको सेंड किया, कुछ बुक्स खरीद कर अमेज़न से कुछ बुक्स खरीद कर प्रूफ के लिए दिखाए। पर हाँ, मेरे जैसे हस्बैंड सबको नहीं मिलते। आज मेरे हस्बैंड, मैंने वीडियो कमेंट्स करते हुए, जब मेरे वीडियो जो बनता है ना, वो मेरे हस्बैंड उन पर कमेंट्स करते हैं। ही ऑलवेज ट्राइज टू सपोर्ट मी एज अ गुड पर्सन। ही अंडरस्टैंड इन व्हाट फेज आई वॉज गोइंग थ्रू। वो ऐसे नहीं कि आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ों को ख़राब कर दें, वो भी काफ़ी बैलेंस है मेरी तरह ही। He definitely tried to be my friend when I needed him at most. तभी मैं आज आपको वीडियो बनाकर दे पाती हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि मैंने अपने हस्बैंड से कुछ भी ना छिपाकर अच्छा किया। So I can say my husband is a boon for me. नहीं तो हर एक चीज़ YouTube चैनल पर इतनी ओपनली बता पाना मेरे लिए ईजी नहीं होता। मेरा मानना है कि अगर डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है तो आपको कोई ना कोई एक सोल पार्टनर भी ज़रूर दिया होगा जिससे आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकें। पर हाँ, कुछ ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो इस तरह के स्पाउस नहीं पाते, दे आर नॉट सो मच अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे में मेरा ये कहना होगा कि आप तुरंत एकदम से, ये तो मैंने अपना बताया, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको क्या करना चाहिए ये आपके स्पाउस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सिचुएशन ये था, क्योंकि मैं लगभग कोशिश करती हूँ हर वीडियो में अपना एग्जांपल्स दूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और मैं आपसे कुछ छिपा भी नहीं पाती, क्योंकि ये सोल जर्नी है। इसमें सोल जर्नी में, डिवाइन जर्नी में मैं क्या छुपाऊँ आपसे? छुपाते तो वो हैं जिसके दिल में चोर हो, और मैं इसलिए आपको नहीं छुपाती। तो अब ये तो मेरा था, लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ मेरे हस्बैंड के जैसे अगर आपके हस्बैंड भी हैं तो हाँ, आपको भी बता देना चाहिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं उनके ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स जिनके स्पाउस ऐसे नहीं होते, जिनके स्पाउस उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते। तो ऐसे में आपको क्या करना है? अगर वो इन सब चीज़ों को, मान लीजिए आपके स्पाउस इन सब चीज़ों को उतनी मैच्योरली हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो तो आपको पता ही होगा आपके स्पाउस कैसे हैं, तो आपको थोड़ा टाइम देखकर उन्हें कुछ हिंट करना चाहिए। एकदम से सब बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप इवॉल्व हो रही हैं, आपके स्पाउस 3D पर्सपेक्टिव से ही सोच रहे होते हैं, देन Might be your spouse started thinking differently for you. अगर toxic marriage में हैं आप, then it's quite challenging to say completely in one shot. जैसा कि मेरे लिए पॉसिबल था सब एक बार में कह देना। You should start, अगर आप toxic relationship में हैं, अगर आपके spouse उतने understanding
नहीं है, यू शुड स्टार्ट टेलिंग स्लोली बट स्टेडिली एवरीथिंग टू योर स्पाउस। वो आपको समझना होगा कि अभी आपके स्पाउस इसे सुनना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि अभी आपके हस्बैंड या वाइफ इन बातों को सुनने के पोजीशन में नहीं है, देन वेट, यू विल श्योरली हैव दैट डे व्हेन दे विल बी इजीली वांट टू हियर फ्रॉम यू। बहुत बार ऐसा भी लगता है कि अगर आप नहीं बता पाएंगे या बता देते तो आप डिसऑनेस्ट या डिसलॉयल अपने मन ही मन सो फील करते होंगे, है ना। मैं भी ऐसा ही करती थी, जब तक मैंने अपने हस्बैंड को बता नहीं दिया, मेरे अंदर जैसे एक मेरी ऐसी आत्मा मेरे शरीर से रोज़ निकलती थी। मुझे इतना ख़राब लगता था कि मैं इनको चीट कर रही हूँ। यस, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, बट आप उस वक्त का इंतज़ार करें जब आपको लगे कि अब आपको सब बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने मन में एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो जाते हैं और ये जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी कार्मा क्रिएट करने से मुक्ति का ही तो जर्नी है। इस जर्नी में आप यू कांट अफोर्ड क्रिएट एनी कार्मा। इस जर्नी में आप डिसलॉयल्टी डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम कीपिंग साइलेंट टिल दे गेट रेडी To listen is also essential. इसलिए अगर आपके स्पाउस अंडरस्टैंडिंग है, पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, आपके साथ उनका अच्छा टर्म्स है, तो बिल्कुल बताइए। आप उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके बिल्कुल बताइए, क्योंकि इस तरह से गिल्टी में आप जी नहीं सकते और ये डिसऑनेस्टी डिसलॉयल्टी भी होगी। उनको आप सब बताइए, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बताइए, जैसे मैंने बताया ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बताइए, वो समझेंगे। क्योंकि आप ये मत भूलिएगा, आप ट्विन फ्लेम है, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑल्सो। अगर आप, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ईश्वर एक ना एक सोलमेट देते ही देते हैं साथ में, तो मेरे हस्बैंड मेरे सोलमेट हैं। आज मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे दो बेटे, मेरे हस्बैंड को मैंने सब कुछ बता दिया, मेरी फीलिंग्स क्या मेरी ट्विन के टूवर्ड्स थी, है अभी भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी तो जब तक सासों के साथ भी चलती रही, सासों के बाद भी, सासों के साथ भी, दोनों ही टाइम, तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैं जो फील करती हूँ मैंने वो पूरा पूरा बता दिया। इसलिए बताया क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था ना बता के, मैंने ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बताया है। इसलिए मेरे हस्बैंड का भी, आप देखना मेरे हस्बैंड का भी कमेंट्स आता है मेरे, जब मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, बहुत बार तो नहीं लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम वो बहुत कम ही बार ऐसा होगा कमेंट्स नहीं करते, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस को सुनते ज़रूर हैं एक बार, तो बिल्कुल बताना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, अगर आपके हस्बैंड आपके फ्रेंड हैं, अगर आप फ्रेंड जोन में हो, अगर आपके हस्बैंड सोलमेट हैं और अगर वो इतने बुरे इंसान नहीं हैं। देखिए बुरा इंसान तो खैर कोई भी नहीं होता, क्या आप हैं? नहीं, तो आपके हस्बैंड भी या आपके वाइफ भी नहीं। लेकिन अगर ऐसे केस में क्या करेंगे, जो स्पाउस, जो हस्बैंड या जिनकी वाइफ उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं, ऐसे में आपको समय का वेट करना चाहिए। यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, तब तक चुप रहना ही उचित होगा। लेकिन हाँ, आप अगर इतना अगर चुप रहें कि आपको बताना ही नहीं है, तो ये भी गलत एक कार्मा है। क्योंकि अगर आप इस तरह से, क्योंकि आपके पास टाइम भी ईश्वर दे रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको समझ में भी आ रहे हैं कि हाँ इस ये अब अगर मैं बता दूं तो ठीक रहेगा, लेकिन आप फिर भी अगर दबाई जा रही हैं, नहीं बता रही हैं, तो ये भी एक कर्मा ही है। क्योंकि आप किसी से डिसलॉयल्टी कर ही रही हैं, किसी से चीजों को छुपा रहे हैं, तो आपको देखना है मौका कैसा है। अगर आपने, आप सोच रहे हैं कि हाँ अब इस मूड में है कि आपको थोड़ा समझ पाएंगे, तो आपको बिल्कुल उनको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके हिंट जरूर करना चाहिए। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन कहीं और से पता चल जाए, इससे अच्छा है आप ही बता दो।
इसलिए ये वीडियो यहीं पे था, इसी पर था कि क्या अपने स्पाउस को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस दे के आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ, और इसके साथ ही साथ मेरा ये भी कोशिश था कि कैसे आप लोग किस टाइम पे कैसे डील करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर पाई हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं, और इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चंस और भी लूंगी जो आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस लिख के देना, अगर वो सब कुछ मैं सबको डील करूंगी, ये एक शॉट में ये मैं नहीं प्रॉमिस कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि डील करने लायक हों, जो कि वो मैं जरूर डील करूंगी। तो मेरा नंबर जो वीडियो पे फ्लैश होगा उस पर प्लीज आप लोग डायरेक्टली फोन मत करें, ये आप लोग के लिए इसलिए दिया गया है, प्लीज डोंट कॉल डायरेक्टली टू मी। कभी मैं सेशन में होती हूँ, मेरा भी जॉब है, मैं भी जॉब करती हूँ, उसके साथ ही साथ मेरा फैमिली भी है, आप लोग बहुत बार फोन कर देते हैं, प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे उस पर मैसेज डालिएगा, प्लीज कॉल मत कीजिएगा डायरेक्टली मुझे, तो मैसेज कीजिएगा, आपके जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो मैसेज कीजिएगा, मैं उन क्वेश्चंस को आंसर देने की 100% कोशिश करूंगी अपने वीडियो पे। तो मेरा ये आज ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच माई सोल डियर सिस्टर्स एंड डियर ब्रदर्स, आज के लिए इतना ही, बहुत खुश रहिए जिंदगी में, ढेरों ब्लेसिंग्स आप सबके लिए, मेरे लिए मेरे पास और देने को है ही क्या, ढेरों ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। आज के लिए इजाजत दें, ओम नमः शिवाय।